सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कितना डर लगा आपको डर के ब्लॉकबस्टर लगा? काफ़ी डर लगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत डर लगा था जाने से पहले। अभी इंटरव्यू देने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि सब कुछ हो चुका है, खत्म हो चुका है, बट द जर्नी वॉज फैबुलस। और जो पहला डर था ना वो ये था कि यार पता नहीं मुझे कुछ हो गया तो, लेकिन पहले ही स्टंट के बाद, पहले दूसरे स्टंट के बाद जब हमने वहाँ की टीम देखी, रोहित शेट्टी से मुलाकात हुई और कलर्स की टीम से जब मुलाकात हुई और देखा जो भरोसा उन्होंने हमें दिलाया, वो जो डर था वो निकल गया। अब था कि हाँ ये कॉकरोचों का, जानवरों का, ऊंचाई का, पानी का सामना कैसे करेंगे, वो था। एंड लकली वो भी अच्छा हुआ। आई थिंक जैसे आप अगर हमारे पिछले इंटरव्यू देखे जो जाने के पहले हमने दिया था, तो इट वाज अ फुल फटू इंटरव्यू जिसमें सबकी फटी हुई थी। अब इट्स चेंज्ड, हम लोग सब वापस आ गए एक पीस में थैंकफुली। ऑफ कोर्स इंजरीज तो बहुत हुई, लेकिन एट द सेम टाइम जो एड्रेनल रश होता है, एक फीलिंग जो आती है कि जैसे आपने कोई बड़ी हिट पाई हो, एक्चुअल हीरो का फीलिंग ये स्टंट करने के बाद आता है। एंड मैं आई डोंट नो अबाउट हुसैन, लेकिन आई हैड नेवर डन स्टफ लाइक दिस बिफोर इन माय लाइफ। आई थिंक कौन करता है, आई डोंट थिंक कोई भी करता है। हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते वो बात अलग है। आप कितने भी पैसे दे दो जिंदगी में, आपको ये चीज एक्सपीरियंस करने के लिए, ये जब स्टंट कंप्लीट होते हैं वो फीलिंग जो आता है वो होता है कि आपकी फिल्म अचानक 500 करोड़ कर गई, ये वो फीलिंग है। आपने स्टंट कंप्लीट किया, इट इज सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग इन दिस वर्ल्ड, आई मीन वाओ। और ये एक शो है जिसमें ना तो हमें स्टाफ दिया जाता है, ना स्पॉट बॉय, मेकअप, दिस इज विदाउट मेकअप बाय द वे, जो आप देख रहे हो टीवी में वी आर ऑल विदाउट मेकअप, और ना तो फैमिली है, ना पब्लिक वोटिंग, यू मीन सब फैंस वोटिंग फॉर अस। ये हमारे दूसरे प्रोड्यूसर्स कृपया करके ना सुने, हाँ मतलब कोई हमारे बैंड वैंड मंगाएगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, नथिंग, इट्स जस्ट यू, योर परफॉर्मेंस और आपके जो वो दोस्त जो हमारे लिए हमारी फैमिली जैसे बन गई है। एंड आई थिंक ये एक मी टाइम सब लोगों को रिक्वायर्ड है। आई थिंक आई हैव एन एडवेंचरस साइड जो पहले कभी नहीं था, ऑलवेज बिजी विद फैमिली वर्क ये वो, बट क्या बोलता है ट्रैकिंग और किसी के लिए निकल जाते हैं ले लगा। अभी अभी जा सकते हैं, अभी जो सब करना है सारे एडवेंचर, इससे ज़्यादा एडवेंचर नहीं होगा। स्काई डाइविंग, बंजी जंपिंग हटा दो। पहले पता नहीं था ना कि क्या होने वाला वहाँ पर, क्या होता पता है कि क्या होगा, क्या हुआ है वहाँ पर। बहुत ही इंटिमिडेशन, एंजाइटी इतनी बढ़ा देते हैं इन लोग, मतलब हैट्स ऑफ जैसे शो बनाते हैं इन लोग, पहले ही मतलब यहाँ बॉम्बे में निकलने से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए भेज देते हैं, तो आप इतने सारे इंजेक्शन, ये वो टेस्ट, ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, हार्ट टेस्ट, सब पुरजे बराबर, इतने सारे टेस्ट किए जाते हैं, यू थिंक कि हम लोग जा रहे कहाँ हैं। फिर वहाँ पहुंचे स्टंट में,